अदा, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्योंकि आईपीएस का किरदार जो आपने निभाया और आप एज अ प्रोफेशन आप एक्टर हैं, तो कितना कठिन हो जाता है एक आईपीएस का किरदार जब आप प्ले करते हैं वो ही बस्तर जैसा इलाका जहाँ पे इतने सारे हमले हुए और सब कुछ हुआ, तो कितना कठिन ये आपके लिए रहा और किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा, कितना वक्त आपको लगा? वक्त तो लगा एंड हम लोग ने बहुत रिसर्च करके प्रॉपर्ली किया, जैसे आपने देखा इवन फिज़िकली जो मेकअप मेरे स्किन पे रोज़ लगता था उसे 2 घंटे लगते थे ताकि मैं रियलिस्टिकली लगूं कि मैं जंगल में रहती हूँ, बिकॉज़ वहाँ के जो लड़कियाँ हैं जो CRPF में हैं और जो जंगल्स में रहती हैं उनको उनको टाइम नहीं रहता है ब्यूटिफिकेशन के लिए कभी कभी, बट आई थिंक वो हमारे कंट्री के सबसे ब्यूटीफुल लड़कियाँ तो वो ही है, बिकॉज वो इतनी फियरलेस है, उनसे अगर आप मिलो तो उनकी आँखों में जो एक्सप्रेशन है वो निडर है, वो डिटर्मिंड है, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं वो इम्प्लीमेंट करूँ. हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप्स के साथ साथ वॉइस मॉड्यूलेशन और डिक्शन क्लासेस भी हम लोग ने किया, एंड जब मैं वो लड़कियों से मिली उन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की. जैसे एक लड़की जो 7 मंथ्स तक प्रेगनेंट थी, उन्होंने फोर्स में नहीं बताया था तब, ताकि वो ड्यूटी से नहीं निकाली जाए. जब भी लड़कियों को वो नदी पार करके पूरे गीले कपड़ों में पूरा दिन उनको वहाँ छुप के रहना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी गोलियाँ पड़ सकती है. खाना सब वो पूरा अपने बैकपैक में लेके जाते हैं एंड वो कभी कभी दैट खाना जो बिस्किट्स और इंस्टेंट नूडल्स वो सब उनके बैग्स में रहते हैं, बिकॉज़ वो कहीं पे सेटल डाउन करके नहीं रह सकते, तभी जो इंस्टेंटली जल्दी खा के निकल सकते हैं. हम लोग ये समझते नहीं बिकॉज हम लोग यू नो शहरों में रहते हैं, इट्स सो ईजी, हमारी लाइफ बहुत ईजी है, उनका बहुत कठिन ये है. बट मैंने कोशिश किया कि एज रियलिस्टिकली मैं कर पाऊँ वो हो, एंड ऑडियंस अब डिसाइड करेगी.